नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का एक बार फिर से चाणक्य नीति के एक और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के अनुसार बताएंगे कि महिला का कौन सा एक अंग पकड़ने से व्यक्ति हो जाता है सफल और वो बहुत जल्दी एक मालामाल व्यक्ति बन जाता है। लेकिन उससे पहले हम आपको चाणक्य नीति के अनुसार सफलता पाने के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताएंगे, जिनको जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, सफलता एक ऐसा शब्द है, जितना बोलने में सरल होता है उतना ही कठिन इसे पाना होता है। मगर आपको बता दें, ये महज एक गलतफहमी मानी जा सकती है, क्योंकि इसे आसानी से पाया जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम इसके लिए अधिक मेहनत करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप गलत नहीं हैं, क्योंकि सफल होने के लिए परिश्रम करना तो हर किसी के लिए आवश्यक होता है। मगर इसके अलावा कुछ ऐसे सूत्र भी बताए गए हैं, जिन्हें अगर कोई भी व्यक्ति अपना लेता है तो उसके लिए सफलता पाना आसान हो जाता है। और अब जाहिर सी बात है, आपको ये तो पता ही होगा कि ऐसे आसान व सटीक सूत्र जिसके हो सकते हैं। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, हम बात करने वाले हैं आचार्य चाणक्य द्वारा बताए उन सूत्रों के बारे में, जिनमें आपको सफल बनाने के लिए ऐसे ऐसे टिप्स दिए गए हैं जो आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। चाणक्य की कुछ इन टिप्सों के बारे में, जो जिंदगी के हर एक मोड़ पर आपको सफलता हासिल करने में कारगर साबित हो सकती हैं। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, ना कि जन्म से। इसलिए इंसान को अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, दूसरों की गलतियों से सीखने की कोशिश करें, हालात बदलने की कोशिश करनी चाहिए। यही आदत आपको दूसरों से अलग बनाएगी। सदैव कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति को हर जगह मान सम्मान मिलता है। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं, डर चाहे कैसा भी हो, उसका डटकर मुकाबला करें बजाय उससे भागने की, क्योंकि जितना आप उससे भागेंगे उतना ही वो आपका पीछा करेगा। किसी भी काम को करने से पहले हमें अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए, ऐसा करने से सफलता मिलने के ज्यादा चांस होते हैं। अपने बीते समय के बारे में ज्यादा ना सोचें, बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़ने की तैयारी करें। जीवन में एक मुकाम हासिल करने के लिए अपनी कमाई और खर्चों में सही तालमेल बिठा रखें, क्योंकि आय से अधिक खर्च करेंगे तो परेशानियों में पड़े रहेंगे। अब मित्रों, आइए जानते हैं कि महिला का कौन सा एक अंग छूने से व्यक्ति बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेता है और वो अपने जीवन में कामयाबी भी बहुत आसानी से पा लेता है। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है और हमेशा स्त्री के सम्मान की बात कही जाती है। इसी के साथ जो व्यक्ति सच्चे मन से स्त्री का सम्मान करता है, उसे जीवन में सभी सुख मिल जाते हैं। इसी के साथ ही साथ स्त्री की एक चीज छूने से जीवन में कई सुखों की प्राप्ति होती है और जीवन में सफलता मिलती है। अब वह कौन सी चीज है, यह हम आपको बताते हैं। कहते हैं, स्त्री जीवन में हमारे साथ कई रूपों में रहती है। एक स्त्री ही माँ होती है, दादी भी होती है, बहन होती है, पत्नी भी होती है। इसी के साथ साथ वह बेटी बनकर पुरुषों के जीवन में खुशियाँ लाती हैं। हम सभी जानते हैं, स्त्री के बगैर पुरुष का अस्तित्व संभव नहीं है और एक स्त्री ही पुरुष की हर खुशी व दुख में साथ निभाती है। इसी के साथ स्त्री सारे दर्द को बहुत ही आराम से सह लेती है और आह भी नहीं करती है। वह कठिन से कठिन परिस्थितियों से डरती नहीं है और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भी देती है। इसी के साथ साथ वंश को आगे बढ़ाने वाली भी स्त्री ही होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि महिलाओं के पैरों में बहुत बड़ा राज छुपा होता है और उससे पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि महिलाओं के पैर छूने से सारे जन्मों का पुण्य मिलता है और महिला के पैर
छूने पर व्यक्ति को बड़ी से बड़ी कामयाबी आसानी से मिल जाती है। कहते हैं स्त्रियों के पैर छूने से आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन की निराशा का अंत होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाती है। तो मित्रों, हमारा आज का ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियो बस यहीं तक था।